हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, एक नया ट्रैवल अपडेट मैंने दिया था अपने पिछले वीडियो में कि इंडिया जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी इजी कर दी है, यानी कि अब कोई ऑन अराइवल आपका आरटीपीसीआर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट या क्वारंटीन कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको टिकट लेना है और एयर सुविधा का फॉर्म भरना है, जहां से आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे आपको आरटीपीसीआर टेस्ट लगेगा और आपको एसिम्टोमेटिक होना है, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं दुबई ने भी 15 फरवरी से काफ़ी मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे इनसाइड यूएई ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी इजी कर दिए हैं, यानी कि जो कैपेसिटी है मॉल्स में हो गया, पब्लिक प्लेसेस में हो गया, कैपेसिटी काफ़ी कम कर दी थी इन्होंने, तो वो कैपेसिटी जो है बढ़ा देगी। मास्क रूल जो है वो जॉगिंग के लिए या एक्सरसाइज कर रहे हैं या बीच में हैं, अगर आपके आसपास ज़्यादा रश नहीं है तो आप मास्क ओपन कर सकते हैं। हालांकि पब्लिक प्लेसेस में अभी भी मास्क कंपलसरी है, वरना फाइन होगा। तो यहाँ पे भी दुबई में भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी कम होने का है, 15 फरवरी से और भी कम कर दिए जाएंगे। तब देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, किसमें मतलब कम किया गया है रिस्ट्रिक्शन। तो वैसे ही क्या हुआ है मैं बता दूँ, जो एयर फेयर है वो फिर से बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं दुबई का, यानी कि इंडिया से आपको अगर दुबई आना है, दुबई से इंडिया जा रहे हैं, यूएई में कहीं भी, तो एयर फेयर्स फिर से बढ़ गए हैं। तो जैसे ही मतलब बोलते हैं ना ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कम होते, बहुत लोग अभी इंडिया नहीं जा रहे थे क्योंकि क्वारंटीन था, इतने बार आरटीपीसीआर करो, बच्चों का टेस्ट करो, तो ये काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा था। और वैसे भी अभी जो है कई जगह पे एग्जाम ओवर हो जाएंगे, एग्जाम ओवर होने के बाद कई लोग ट्रैवल करेंगे इंडिया, दुबई से इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, तो इस कारण से एयरफेयर्स अभी से बहुत ज़्यादा, अगर मार्च एंड का देखें तो एयरफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो एयरफेयर के ऊपर फिर से एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें कई सिटीज़ से जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया की, वहाँ से दुबई का प्राइस लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो देखिए गाइज, अभी मैं बता दूँ कि एयरफेयर्स फिर से बढ़ गया है। मार्च में मैं आपको ये भी अपडेट दी थी कि यूएई में उतने जॉब ओपनिंग्स नहीं हैं, अप्रैल में तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, तो बेटर होगा कि आप रमजान का महीना चला जाए, ईद वगैरह मना के उसके बाद यहाँ आइए, तब एयरफेयर शायद थोड़े नॉर्मल हो जाए या जो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो चालू हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है, बट एयरफेयर फिर से बढ़ गए हैं, प्लस यहाँ पे जॉब कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। अप्रैल में तो बिल्कुल रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा, बहुत अर्जेंट बेसिस में जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो ही होंगे। तो इस हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए, अभी तक नहीं लिए हैं तो अगर आपका वीज़ा आ गया है, टिकट आ गया है, तो फिर आपको आना ही है। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मार्च में जाएंगे कि नहीं, अप्रैल में जाएंगे कि नहीं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और जो लोग टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग इजिली आ सकते हैं, घूम सकते हैं। रमदान में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस रहता है उसके ऊपर वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी टूरिस्ट के लिए, कि बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे फॉलो करने होंगे या क्या हम उनके रेस्पेक्ट करते हैं, तो हर रिलीजन का एक रेस्पेक्ट होता है, तो उनके लिए हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारी चीज़ें मैं अपडेट दूंगी आपको। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी, और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।